रुक जाओ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो याकुल। कभी नहीं। ये तो आइस 2020 एक्स में गिर गया। कुछ केमिकल्स भी गिर गए उसके ऊपर। उसे जल्दी से बाहर निकालो। ये तो नीला पड़ रहा है, इसे जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मेरे पास मत आना। ये क्या हुआ? मेरे हाथों से तो आइस लेजर्स निकल रहे हैं। अब आएगा मजा। मुझे लोगों को फ्रीज करने की शक्ति मिल गई है। आज से याकुल बन गया है फ्रीज मैन। ये क्या हो रहा है? संपर्क में जाओ। माइटी राजू, तुम्हारी मदद की जरूरत है। फ्रीज मैन लोगों पर अपने आइस रेस छोड़कर उन्हें बर्फ की तरह जमा रहा है। हमें उसे जल्दी रोकना होगा, जल्दी। डोंट वरी खन्ना अंकल, मैं अभी आता हूँ। मैं आ गया हूँ फ्रीज मैन, अब तुम्हारी खैर नहीं। लोगों को बर्फ बनाने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना फ्रीज मैन? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। आइस आइस आइस, नाइस नाइस नाइस। एक बार मैं सबको फ्रीज कर दूं तो मुझे चोरी करने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। आइस आइस आइस, नाइस नाइस नाइस। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें भी बर्फ बना दूं? मैं माइटी राजू हूँ और तुम्हारे बर्फ की दुकान को बंद करने आया हूँ। चीकी, मुझे विंग्स ही चाहिए अभी। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही उड़ सकते हो? इसने लोहे के केज को जमा कर तोड़ दिया था, पर अगर ये बर्फ के केज को जमाएगा तो वो केज और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। कमिश्नर खन्ना। ओके माइटी राजू, ठीक है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं माइटी राजू। सब काम मुझे ही करना है। ए बिल्ली, तुम बताओ क्या ये ठीक है? ये बिल्ली नहीं, ये तो तेंदुआ है। आओ आयो आयो आयो, तेंदुआ मर गया। मूर्ति अंकल चिल्ला रहे हैं, चलो देखते हैं क्या हुआ। मूर्ति अंकल, क्या हुई? तेंदुए का पिल्ला हुई। तेंदुआ कहाँ गया वो अंकल? मुझे काट के उधर भाग गई। लालिता, आइए देखो जी। चुप, एकदम चुप। आपकी गले में सोने का चेन थी, किधर गया? ए!
तेंदुआ, ओ तेंदुआ, मुझे मेरा गोल्ड चेन दे दो, प्लीज। ओए किटी, छोटू किटी, आओ, आ जाओ, आ जाओ। पकड़ लिया। वो गोल्ड चेन मेरा है। तो ले लो अंकल। ओए बच्चे, ये हमारा है, दे दो। नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? तुम लोग इसे चुरा कर नहीं ले जा सकते, जू वालों के हवाले कर दो। माइटी राजू, इस छोटे तेंदुए को बचाने के लिए। और मेरा भी थैंक्स, मेरा गोल्ड चेन मुझे मिल गया और मैं ललिता से बच गया। राजू, तुम ठीक तो हो ना? राजू, तुमने बहुत कुछ मिस कर लिया। क्या हुआ गोपी? पता है, माइटी राजू आया था और उसने गुंडों की खूब पिटाई की। क्यों चाली, कहानी शुरू होने से पहले ही डर गए? हाँ, अब मैं किसी से नहीं डरता। चलो शुरू करो। एक अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। हो क्या था? पता नहीं, पर बहुत डरावनी आवाज थी। आवाज तो मूर्ति अंकल के घर से आई। तुम दोनों तो हमेशा डरते रहते हो। कहीं मूर्ति अंकल कोई मुसीबत में तो नहीं? हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। इतनी रात में? दरवाजा तो खुला ही है। मूर्ति अंकल, मूर्ति अंकल, मूर्ति अंकल कोई जवाब ही नहीं दे रहे। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। ये भी क्या हवा के कारण हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है आवाज वहाँ से आ रही है। मूर्ति अंकल, आप? तुम सब मुझे गानों से बहुत परेशान करता है ना, इसीलिए मैं तुम सब को डराने का प्लान बनाया। एवलॉन फनी है? अच्छा मजाक था मूर्ति अंकल। राजू, चार्ली, कहाँ है तुम? राजू, चार्ली, शायद घर के अंदर गए होंगे। बचाओ! डरा दिया ना? रुको तुम, मैं तुम्हें बताता। रुको तुम, मैं बोला रुको तुम।